السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

हम लोग जिसवान के तहत क़ुरान सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनने वाले हैं वो वहान है कभी खुशी कभी ग़म का मतलब ये है कि खुशी के मौके पर हमें क्या करना चाहिए गम के मौके पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ें इंशाल्लाह आज आप लोगों के सामने रखूँगा तो बहरहाल हमारा दीन हमारा इस्लाम ऐसा है कि जिसमें हर चीज़ बता दी गई हर मामला हर चीज़ हर अमल क्या जायज़ क्या नाजायज़ क्या हराम क्या हलाल सब कुछ है लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की ऐसी है जो समझती हैं सिर्फ नमाज़ रोज़ा कुरान यही दिन है नहीं नहीं बल्कि हमारे दिन में खुशी मनाने का तरीक़ा और गम मनाने का भी तरीक़ा और ख़ुशी और ग़म में क्या जायज़ क्या ना जायज ये सब कुछ हमारे दीन में है हमारे इस्लाम में है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया लेकिन नहीं मालूम होने की वजह से हम क्या समझते हैं कि नहीं भाई जो चाहे करना है ख़ुशी का मौका है अपनी मर्ज़ी में ख़ुशी है बस जो चाहे करो ग़म है उसमें तो होश ही नहीं रहता हम उसमें भी जो चाहे करो ऐसा हम लोग समझते हैं लेकिन ये हमारा समझना गलत है अल्लाह के लिए गौर करना खुशी और गम ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसे ये दो चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है बचपन से लेकर मरते दम तक चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो गरीब से गरीब आदमी हो औरत हो मर्द हो हर एक को खुशी और गम का सामना करना पड़ता है लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है खुशी और गम के मौके पर या आज इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे तो खुशी कहते किसे हैं देखिए किसी नेमत के मिलने या किसी चीज़ के मिल जाने या फिर किसी वाक़े के हो जाने या किसी काम के हो जाने से जो अंदर से जज्बा आता है उसे खुशी कहते हैं और इसी तरह गम किसे कहते हैं वही चीज़ यानी किसी नेमत के ख़त्म होने या किसी चीज़ के छिन जाने या फिर किसी वाक़े के हो जाने से या किसी काम के नुकसान से जो अंदर से एक जज्बा आता है उसी जज्बे का नाम यानी ख़त्म हो जाने से वो हो जाने से ख़ुशी होती है मिल जाने से खुशी होती है यहाँ पर ख़त्म होने से गम हो जाता है इसे खुशी और गम कहते हैं तो याद रखो ये खुशी और गम ये दो चीजें जैसे कि मैंने अभी बताया हर इंसान के साथ है हर एक को इसके ताल्लुक से मालूम है खुशी क्या है अलग से इसका डिफिनेशन करके अगर मैं इतना मुख्तसर बताऊं तो शायद ये कम्प्लीट नहीं हो सकता मुकम्मिल नहीं हो सकता खुशी क्या है हर इंसान जो महसूस करता है उसे ही मालूम है खुशी क्या है और गम क्या है जो इंसान महसूस करता है उसे ही मालूम है गम क्या होता है और कैसे होता है खुशी और गम के ताल्लुक से सबसे पहले हम लोग एक दो आयतें देखेंगे कुरान क्या कहता है यूनुस है आयत नंबर एक सौ सात अल्लाह ताला फरमाते हैं वहीं फला काशिबी खरिन फलाफ़ूर तर्जु क्या है इस आयत का और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो बजुज इसके और कोई इसको दूर करने वाला नहीं है और अगर वो तुमको कोई खैर पहुँचाना चाहे तो इसके फजल का कोई हटाने वाला नहीं का मतलब ये है अगर इस आयत का मफहूम मैं आम अंदाज में सादा अंदाज में अगर समझाना चाहूं अल्लाह ताला इस आयत में वाजे कर दिया अल्लाह अगर खुशी देना चाहे किसी को इस दुनिया में कोई और उसकी खुशी को हटाने वाला रोकने वाला नहीं है और अल्लाह अगर किसी को गम देना चाहे तो उस गम से रोकने वाला उस गम को ख़त्म करने वाला उस तकलीफ से बचाने वाला भी कोई नहीं है तो मालूम क्या हुआ कि सबसे पहला हमारा अकीदा यह दुरुस्त हो जाए हमारा ईमान ये मजबूत हो जाए कि ख़ुशी भी मिलती है अल्लाह की तरफ से गम भी मिलता है अल्लाह की तरफ से और गम ख़त्म करने वाला भी अल्लाह है और ख़ुशियों को भी छीनने वाला अल्लाह है अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में ये पावर नहीं है कि खुशी और गम को रोके या दे सके ठीक है अब दूसरी आयत है सुर जखरुफ आयत नंबर सिक्सटी एट से लेकर सेवेंटी तक अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं या इबादिलासलम मेरे बंदो आज तुम पर कोई खौफ है ना तुम गमजदा होंगे अल्लाह ताला ताला फरमाते हैं आज का दिन तुम पर कोई खौफ नहीं होगा कोई गम नहीं होगा और जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वो मुसलमान तुम और तुम्हारी बीवियां खुशी खुशी जन्नत में चले जाओ उद तुम वाज़वा जुकुम तुहबरून का मतलब क्या है अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ये कहेगा कि आए मेरे बंदो जो आज यानी क़यामत के दिन तुम जो यहाँ पर ठहरे तुम पर कोई खौफ नहीं होगा तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं तुम पर कोई गम नहीं होगा क्योंकि तुम लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान लाए थे और तुम मुसलमान बने थे इसलिए अल्लाह ताला कल त़्यामत के दिन कहेगा कि तुम खुशी से अपनी बीवियों के साथ मिलकर जन्नत में चले जाओ का मतलब क्या है यहाँ पर भी अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करते हुए ये ऐलान किया मुसलमानों के लिए असल खुशी जन्नत में है मुसलमानों के लिए असल खुशी जन्नत में है और ख़यामत के दिन मुसलमानों को किसी किस्म का गम नहीं होगा अच्छा ये बातें समझने के बाद अब मुख्तसर गम के ताल्लुक से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूँ गम जो होता है ना ये गम मनाने की चीज़ नहीं होती गम अंदर से जो एहसास होता है जो फीलिंग्स होते हैं खुशी भी अंदर का एहसास और फीलिंग ही है और गम भी अंदर से जो एहसास जो जज्बा आता है वही गम है लेकिन गम है तो उसे मनाना अलग से ज़रूरी नहीं है लेकिन आज कई लोग ऐसे मिलते हैं मुसलमानों में भी जो गम मनाते हैं कैसे मुहर्रम के महीने में शहादत हुसैन के नाम पर गम मनाते हैं मार मार के पीट पीट के गम मनाते हैं फिर इसी तरह कई मुसलमान ऐसे हैं आ, हर साल जिसका इंतकाल हुआ उसे याद कर कर के फिर गम मनाते हैं वो ग़म का डे मनाते हैं कई लोग ऐसे हैं जो मुशरकिन में भी आज ये फलां का इंतकाल का दिन है तो आज गम मनाना है तो इस्लाम में ग़म मनाना नहीं है कहीं पर भी गम हो जाता है वो एहसास है वो फीलिंग है लेकिन उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है फिर इसी तरह नबी करीम अलैहि वसल्लम की अगर हम लोग ज़िंदगी देखें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ग़म किसी का ग़म नहीं है हमारे नबी वसल्लम को जो तकलीफ़ें आईं जो गम पहुंचा, उससे पढ़कर इस दुनिया में किसी का भी गम नहीं हो सकता और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला अम्बिया को नबियों को ही आज़माता है नबियों को ही तकलीफ़ें देता है सबसे ज़्यादा उसमें से हमारे नबी मोहम्मद वसल्लम की अगर हम जिंदगी देखें पैदाइश अल्लाह के रसूल सल्ला व्लम यतीम है बाप का सहारा नहीं है फिर उसके बाद छः साल की उम्र गुजरी कि माँ का भी इंतकाल हुआ वो भी ग़म है फिर उसके बाद क्या हुआ जैसे ही नबुवत मिली एक तो गरीबी भी थी ये भी गम है फिर इसी तरह नबी बने जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी ज़िंदगी में नबी बनने के बाद जो काम करे और उस काम में जितनी तकलीफें आई मार खाना पड़ा गाली खाना पड़ा मज़ाक उड़ाए लोगों ने मिट्टी डाले ऐसी ख़दम ख़दम पे गम गम गम, गम तकलीफ़ टेंशन वाली जिंदगी फिर उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जो जुड़म हो रहा था जितने सहाबा ईमान लाए उनके ऊपर जो गम हुआ था वो सब परेशानी आके बयान करते थे फिर उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बीवियों का इंतकाल बेटियों का इंतकाल बेटों का इंतकाल बेटा है ही नहीं जो पैदा हुआ वो बचपन में ही उसका इंतकाल बेटियां हुई तो शादी के बाद उनका क्या है तलाक भी हो चुका है इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अगर हम लोग जंगे उहद ले ले

यहाँ सोचने की एक बात है हाँ, आज मुसलमानों की हालत ऐसी है कि मुसलमान दुनिया में कोई तकलीफ़ उठाना नहीं चाहता थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो उसको वही बहुत बड़ा गम नज़र आता है उसको वही बहुत बड़ी परेशानी नज़र आती है लेकिन अगर वो देखे सोचे अंबिया की ज़िंदियाँ कैसी थी तो फिर उसके लिए दिल मुतमिन हो सकता है याद रखो तो अब गम हुआ तो गम में क्या करना है क्या नहीं करना है याद रखो इंसान को कई चीज़ों का गम होता है मतलब किसी का इंतकाल हुआ गम होता है किसी चीज़ का गुम हो जाने से गम होता है किसी नेमत के मिलने के बाद छिन गया तो भी गम होता है गरीबी का गम होता बीमारी का ग़म होता औलाद ना होने का गम होता शादी नहीं होने का ग़म होता ससुराल वालों का ग़म होता शोहर का गम होता ऐसे कई और फेलियर का गम होता नाकामी मिलती है गम होता कई चीज़ों का गम इंसान की ज़िंदगी में होता है तो ऐसे हालात में इंसान को करना क्या है क्या करना है देखिए जब कभी भी कोई परेशानी आए कोई गम आए इसके ताल्लुक से तफसील से मैं कई मरतबा बताए लेकिन यहाँ पर मुख्तसर ये है कि हम सबसे पहले जो भी मुसीबत जो भी गम जो भी परेशानी आई तो ये सोच ले कि ये दुनिया हमेशा की नहीं है ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की नहीं है असल मुझे यहाँ पर हमेशा रहना नहीं है ये चंद दिन की जिंदगी है अब ये गम और ख़ुशी एक के बाद एक आती है जाती है ये ज़िंदगी का हिस्सा है चाहे अगर ज़िंदगी भर भी गम मिले फिर भी मुझे यहाँ पर रहना है एक मोमिन के लिए हमेशा की खुशी जन्नत में अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज हदीस है तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह के रसोल ने कहा काफी के लिए यह दुनिया आयश इशरत की जगह है मोमिन के लिए एक जेल है एक ख़ैद खाना है तो ये जहन में रहे दुनिया की हकीकत को सबसे पहले जहन में हम लोगों को लाना है फिर उसके बाद क्या है कि ये हमेशा की खुशी मुझे जन्नत में मिलेगी जन्नत को याद करना है फिर उसके बाद ये तकदीर का हिस्सा है ये भी जहन में रहे हाँ अल्लाह ताला ने लिख दिया मैं कुछ नहीं कर सकता मुझे कोशिश करने पर ये कम मैं ख़त्म कर सकता अल्लाह चाहे तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये तकदीर में था होना था हुआ बस तछ ये सोच लेना है फिर उसके बाद हम लोगों को सबर करना है फिर उसके बाद क्या है शिकवे शिकायतें कभी ना करें अपनी जुबान से अल्लाह तला पर अल्लाह की तकदीर पर शिकवे शिकायतें ना करते हुए सबर करें अल्लाह से दुआ करें तो इन हमारा गम जो भी हो सकता है अल्लाह चाहे तो दूर कर देगा इस तरह हम लोगों को जिंदगी गुजारना है गम के हालात में अब यहाँ तक गम के तालुक़ से हम लोगों ने सुना एक हदीस भी सुन लीजिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया मोमिन का मामला भी अजीब है इसके हर काम में इसके लिए अजर है किसका मामला अजीब है सिर्फ मोमिन का यानी सिर्फ मुसलमान का हर एक का मामला नहीं है ये ये नेमत जो मिलती है ये सिर्फ मोमिन के लिए ये खसूसियत सिर्फ मोमिन की है हर एक को ये नसीब नहीं होता कैसे उसके हर काम में उसके लिए भलाई है और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज है कि और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं है उसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है इस पर भी इसको अजर है और उसे गम पहुँचती है तो उस पर सब्र करता है इस पर भी उसको अजर है मोमिन का हर मामला उसके लिए अजर सवाब वाला ही है यह खूसियत है अगर जो मोमिन नहीं होगा सच्चा पक्का मुसलमान नहीं होगा गम आया फौर शिकायतें शुरू कर देता खुशी मिली नाफरमानी वाले काम कर लेता मुसलमान है लेकिन फिर भी ऐसे गुना कर लेता लेकिन जो सच्चा मोमिन होता वो क्या करता इंसान के दो ही हालात होते हैं जिंदगी में या तो खुशी या गम खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करता गम में सबर करता यह उसके लिए खुशी में भी सवाब है उसके लिए गम में भी अजर और सवाब है यह सिवाय मोमिन के किसी को हासिल नहीं है अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत अब ये चीजें समझने के बाद खुशी अब क्योंकि अब मुझे खुशी के ताल्लुक से ज्यादा बातें बोलना है क्योंकि खुशियों के जो मौके आम तौर पर अब मुसलमानों की ही बात करूंगा मैं ज़्यादातर गैर मुस्लिमों की बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है जो मुसलमानों में खुशी के नाम पर जो तबाही जो बर्बादी जो गुना ये सब चीज़ें हो रही है वो एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि हमें सही तरीक़ा मालूम हो जाए कि हमें खुशी मिलने पर क्या करना चाहिए सबसे पहले देखिए खुशी कई चीज़ों की होती है उसमें से एक अल्लाह की नेमतों पर इंसान को खुशी होती है क्या बोला मैं अल्लाह ताला की जो भी नेमतें हमको मिलती है इस पर हमें खुशी होती है एक आयत सूरा आल इमरान आयत नंबर 171 अल्लाह ताला फरमाते हैं यस तब शिरून बिन मिन व फदलिम व अन अजरमिन वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से देखिए Allah की नेमत पर वो खुश होते हैं अल्लाह कहा हर इंसान को खुशी होती है अल्लाह की नेमतों पर लेकिन उस नेमत को याद करने वाला सोचने वाला हो उसे खुशी होती ना जो अल्लाह की नेमत को नेमत ही नहीं समझता उसे कोई खुशी नहीं होती अगर आज के हालात में मौजूदा दौर में अगर एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत अगर कोई है तो वो है उसका मुसलमान होना उसका मुसलमान होना ही सबसे बड़ी नेमत है, वरना जो इंसान जिसको करोड़ों का माल भी मिल जाए दुनिया का बादशाह भी बन जाए लेकिन अगर ईमान की दौलत से महरूम हो जाए इस्लाम की दौलत से महरूम हो जाए तो उसके लिए वो नेमत नहीं है वो जो भी नेमतें मिली वो सब बेकार है तो हमारा मुसलमान होना ही और वो भी बगैर मेहनत के बगैर तकलीफ के बगैर परेशानी के बगैर मांगे के मुसलमान के घर में पैदा हुए मुसलमानों के मां बाप के पेट से पैदा हुए ये कितनी बड़ी नेमत है कितनी बड़ी नेमत है अगर हम लोग सोचेंगे तो ये अल्लाह की इस नेमत पर हमें खुशी होना चाहिए इस नेमत को याद करें जब कभी भी कोई गम कोई परेशानी आई तो अल्लाह मैं मुसलमान तो हूँ अलहमद इससे बड़ी नमत और क्या हो सकती है अल्लाह तो मुझे इस्लाम जैसी नहमत दिया अल्लाह इससे बड़ी नमत क्या हो सकती है ठीक है मुझे गाड़ी नहीं मिली ठीक है मुझे घर नहीं मिला ठीक है और कुछ भी नहीं मिला लेकिन इस्लाम तो मिला ना मैं काफिर तो नहीं हूं ना ये सोच के इंसान खुश हो कि अल्लाह ताला की ये सबसे बड़ी नेमत मेरे पास है जो इस दुनिया के करोड़ों लोगों के पास नहीं है करोड़ों लोगों के पास नहीं है याद रखो अगर अल्लाह की नेमतों को हम लोग याद करेंगे तो अल्लाह ताला इतना अच्छा जिस्म दिया ये करोड़ों की नेमतों से भी ज्यादा है अगर अल्लाह तला दो आंख नहीं देता अल्लाह तला काम नहीं देता अल्लाह तला इतना अच्छा जिसम नहीं देता ये दिमाग नहीं देता इस तरह एक एक नेमत आप सोचेंगे ना हैरान हो जाएंगे जो सोचेंगे उसको शुक्र करने का एक जज्बा आएगा तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो इतना अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे जिस्म दिया फिर उसके अलावा अगर इस कायनात पर गौर करेंगे ये हवाओं का चलना ये पानी का नसीब होना मुझे फिर इसी तरह ये चांद सूरज ज़मीन ये जो कुछ भी है अल्लाह की नेमतें और इसी तरह खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमत है ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है इस पर हमें खुश होना चाहिए तो इंसान को खुशी मिलती है जो अल्लाह की नेमतों को याद रखता है याद करता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ लोगों को खुशी होती है अल्लाह की इबादत करने में भी है अल्लाह के पार सबको नहीं होती है खुशी यह पहली खुशी भी और ये जो दूसरी खुशी मैं बता रहा हूँ यह भी सबको नसीब नहीं होती लेकिन कुछ अल्लाह के सच्चे बंदे जो होते हैं उन्हीं को ख़ुशी होती है अल्लाह के सामने ठहरे इबादत कर रहे हाथ बांध के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू करे सुबहना रब्बील अज़ीम पढ़ रहे रुकू में सुबहना औरबील आला बोल रहे वो बोलते हुए दिल के अंदर से ख़ुशी का महसूस होना अल्लाह की किताब कुरान को हाथों में लिए हुए बैठे गौर कर रहे हैं तर्जुमा पढ़ रहे हैं तिलावत कर रहे हैं उसके अल्फाज पर गौर कर रहे अंदर से ख़ुशी अल्लाह ये अल्लाह का कलाम है मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ मैं अल्लाह की बातें सुन रहा हूँ ये अंदर से जो खुशी होती ना ये सबको नसीब नहीं होती हाँ होती है सिर्फ मुतकीों को जो सच्चे अल्लाह के बंदे हैं उनको होती है रमजान का महीना आया खुशी होती है रोज़ा रखते हुए हज को गए खुशी होती है उमरा को गए खुशी होती अल्लाह का घर देखना मेरे लिए नसीब हुआ खुशी होती है अल्लाह की इबादतें करते हुए सदक़ा खैरात करते हुए बयान सुनते हुए खुशी होना तकरीर सुनते हुए खुशी होना तकरीर करते हुए खुशी होना अल्लाह का दीन का इल्म सीखते हुए और सिखाते हुए खुशी होना अल्लाह की इस दीन की तबलीग करते हुए खुशी होना ये सब क्या है खुशी ही है लेकिन ये सबको नसीब नहीं होता याद रखो कुछ लोगों को इसके मुकाबले में गैरुल्ला की इबादतें करते हुए खुशी होती अल्लाह की इबादत करते हुए खुशी नहीं हुई लेकिन नहीं चलो आज न्याज के लिए जाना है कितनी तैयारियां होती वहाँ संदल है कते यहाँ उर्स है कते यहाँ मेला है कते ये बाबा के पास हम वो बाबा के पास आठ आठ पंद्रह पंद्रह दिन का सफर करके लंबे लंबे सफ़र करके जाके आते खुशी से बोल लेते शान से बोल लेते वो दरगाह के पास ना हम ये चमत्कार देखे वो देखे ये बाबा हाथा से ये निकाले पैरों से वो निकाले पेट में से ये निकाले बालों में से वो निकाले खुशी होती खैर की इबादत करते हुए खुशी होना ये बदतरीन शिक है बदतरीन कुफ्र है ये याद रखो तो यार ये या अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं जिनको उसकी इबादत करते हुए उसकी दीन की दावत देते हुए उसके तरफ लोगों को बुलाते हुए भी खुशी होती है अल्लाह तला हम सबको इन्हीं लोगों में बना दे आमीन अब ये दो चीजें होंगी तीसरी चीज क्या है खुशी दूसरों की मदद करते हुए दूसरों को खुशी पहुंचाते हुए खुशी होना ये भी एक अजीम नियमतों में से है यह भी सबको नसीब नहीं होती यह खुशी भी सबको नसीब नहीं होती दूसरों की मदद करके खुशी होना किसी को कुछ देकर किसी की हेल्प करके किसी को पैसे दे के किसी का सहारा बन के किसी के बच्चों को पढ़ा के किसी को राशन का इंतज़ाम करके खुशी होना किसी यतीम किसी बेवा का दुआ लेकर खुशी होना ये बहुत बड़ी नेमतों में से बल्कि बहुत बड़ी खुशी में से एक ख़ुशी है बहुत सारे लोगों को ये भी खुशी नसीब होती लेकिन यह खुशी भी सबको नसीब नहीं होती याद रखो बल्कि तोहफा देते हुए लोगों को सिला रहमी करते हुए ये सब चीज़ें क्या है लोगों को खुश करना है लोगों को खुशी पहुंचाना उनकी मदद करना जैसा कि कुछ साल पहले एक अली बनत नाम का एक नौजवान था उसके ताल्लुक से मेरा वीडियो भी मौजूद है तफसील से मैंने बताया था अरब का अली बनत नाम का एक नौजवान जिसको कैंसर हुआ सिर्फ 21 या 25 साल की उम्र में ही कैंसर हुआ तो उसकी जिंदगी के फिर क्या है बचने के जिंदा रहने के कोई उम्मीद बाकी नहीं थी ख़त्म उसका डॉक्टर बोल दिया कि नहीं अभी तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी चंद दिन के तुम मेहमान है करोड़ों का मालिक बल्कि उसकी गाड़ियाँ उसके, उसके पहनने के जूते हैं वो लगाने के चश्मे वो पहनने के जो कपड़े ये तमाम चीज़ें उस वीडियो में बताई गई है इतने करोड़ों की ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था मुसलमान है लेकिन जब उसका इंटरव्यू हुआ बल्कि उसके हॉस्पिटल में भी उसके वीडियोस मौजूद है अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है और जब वो उसकी पूरी करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके जाके जो गरीबों में तकसीम कर रहा था खासतौर से वो मुमालिक जो अफ्रीका के जो बहुत ज़्यादा गरीब गुरबत वाले मुमालिक उन लोगों के पास जाके उनके बच्चों को उठा के उनके बच्चों को कुछ खिलाते हुए कुछ देते हुए जब इंटरव्यू में वो कहता है इतने करोड़ों के महंगी महंगी गाड़ियों में फिरकर कभी मुझे उतनी खुशी नहीं हुई इस गरीब को मैं कुछ देते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख कर मुझे खुशी हुई ये खुशी मुझे करोड़ों की गाड़ियों में कभी नहीं हासिल हुई बोला पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में तकसीम कर दिया वो अलहमदुल्ला तो इस तरह आज हमारे माहौल में अगर देखेंगे तो देने पर तकलीफ होती लोगों को कुछ चले गया बोल के तकलीफ होती एक दस रुपए निकाल के दिया सौ रुपए खैरात करा दस बार सोचता है कि भाई मेरा गया 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 तकलीफ होती नहीं नहीं किसी को कुछ देकर खुश होना कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैं नेकी का काम करा और दूसरा किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला सका यह खुशी किसी की दुआ तो ले सका यह खुशी खुश नसीबों को ही नसीब होती है याद रखो यह तीसरी किस्म की खुशी है अब चौथी खुशी किसी कामयाबी के हासिल होने पर खुशी होती है लोगों को हासिल होना का मतलब क्या है देखिए कोई मुल्क को फतेह कर लिया क्या हुआ कामयाबी मिल गई उसको कोई इलेक्शन में जीत गया क्या हो गया उसको भी खुशी यानी एक कामयाबी मिल गई किसी को एजुकेशन में कामयाबी मिल गई अच्छे रैंक आ गए भाई, आ गया पास हो गया फला फला, ये कामयाबी है फिर इसी तरह अच्छा जॉब मिल गया ये भी एक कामयाबी है याद रखो कामयाबी के मिलने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है लेकिन अगर कामयाबियों को सब कामयाबियों को अगर एक तरफ़ रखे और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो कामयाबी मिली वो है फ़तेह मक्का की जो कामयाबी है वो अल्लाह के रसोल सल्ला वसल्लम की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इतने साल गम इतने साल की परेशानियाँ इतने साल की मुश्किलें दुश्मनों का डर सब कुछ खत्म मक्का फतः हो गया दस हज़ार का लश्कर लेकर एक कैप्टन की हैसियत से अल्लाह के रसोल सल्ला मक् में दाखिल हो रहे हैं क्या हालत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फ़तह पढ़ते जाते अपना सर नीचे किए हुए है सवारी पर बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैसे ही मक्का में दाखिल हुए सब के सब लोगों को माफ़ कर दिया ऐलान कर दिया कि जो अपने घरों में रहकर दरवाजे बंद कर लेता उसको मैं माफ़ कर दूंगा जो खाने काबा में जाता उसको भी मैं माफ़ कर दूंगा जो सामने आके लड़ना चाहता है उसी से मेरी लड़ाई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ करते हैं और अल्लाह के घर में बैतुल्ला में जाकर आठ रखा नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे बड़ी कामयाबी है सबसे बड़ी खुशी है ये ऐसी कामयाबी जो हमारे जितनी भी कामयाबियाँ मिलते हैं ना ये सब कामयाबियाँ उस कामयाबी के आगे कुछ भी नहीं है याद रखो लेकिन उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था और आज हमारा रवैया कैसा है हालांकि उस जमाने में जो मुशरकिन को कभी कोई कामयाबी मिलती ना किसी बस्ती को अगर वो फतह कर लेते तो क्या करते थे मालूम है उस बस्ती को पूरा तोड़ फोड़ के रख देते थे वहाँ की औरतों को लौंडियाँ बना के रख लेते थे बच्चों को लेके जाके बाज़ार में बेच देते थे शराब पीते थे फितना फसाद करते थे ऐसे हालत में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम सबको माफ़ कर दिए और कोई भी गलत काम कोई भी जैसा कि आज किसी को कामयाबी मिले तो हम करते ना हम असल में हम लोगों को कामयाबी मिली बोले तो हम समझते हैं कि ये हमारा टैलेंट है असल में हम भूल जाते हैं कि अल्लाह मुझे ये दिया नहीं मेरी मेहनत थी मेरी कोशिश थी मेरा बच्चा मेहनत करा हमारा पैसा लगा हमारा ये हुआ हमारा वो हुआ इसलिए हमारे को ये कामयाबी मिली नहीं और उसमें पागल बन जाते हम लोग कामयाबी असल में कामयाबी जैसे ही मिलती सबसे पहले हम लोग क्या सोचते मेरे को ये कामयाबी मिली मेरे को यह सक्सेस मिला अब इसको लेकर मैं दूसरों को जलाना चाहता हूँ मेरा बच्चा पास हो गया तो जितने मेरे दुश्मन थे जितने लोग मुझसे चिड़ते थे उनको पहले बता देना है कि देखो मेरा बच्चा फर्स्ट रैंक में आ गया उसको तकलीफ होना मेरी कामयाबी पे उसको तकलीफ देना उसको जलाना है ये हमारा रवैया हो गया है हम तकबर करते हैं हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं हमको को कोई कामयाबी मिले तो हाँ देखे तुम्हारा अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं है देखो हमारे को क्या मिला इस तरह हम मजाक उड़ाते हैं फितना फसाद कर देते हैं पटाखे फोड़ते हैं क्या क्या नहीं करते आज हम लोग कोई इलेक्शन में जीत गया तो क्या करता आज इलेक्शन में जीत गया उसको कामयाबी मिली क्या क्या नहीं हो रहा आज रास्ते बंद कर दिए पटाखे फोड़ रहे नाच रहे गा रहे दूसरे लोगों को जला रहे जो हार गया ना उसके घर के सामने जाके और ज्यादा नाच के आता है क्यों बोले तो मेरे को कामयाबी मिली लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये जो आज हम आमाल कर रहे इसी अमाल नहीं नजर आते बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी मिले तो क्या करें आठ रख नमाज पढ़े अल्लाह की तस्बी अल्लाह का जिक्र करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए असल में हमारे लिए ये नमूना होना था लेकिन आज हम लोग ये जो शरीयत के खिलाफ अमाल कर रहे हैं खुशी में ये बहुत बड़ी गलती है अब पांचवी चीज़ खुशी शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं फयाज भी क्या क्या की खुशी अल्लाह की इबादत अल्लाह की नेमत दूसरों की मदद कामयाबी ये सब खुशियां बोल रहे लेकिन असल खुशी दूसरी जगह है हमारी हमारी खुशियां हैं शादियों में है ना शादी वो कबाती बात बोल के शायद इंतज़ार कर रहे थे होंगे असल खुशी तो हमको ये चीज़ों में खुशी मिलती क्या कितने लोगों के हाँ मिलती अल्लाह के बंदे जो है उन लोगों को अब तक मैं जो बताया कामयाबी मिली अल्लाह की इबादत ईमान इस्लाम नसीब हुआ इसमें खुशी और दूसरी तरफ शादी की खुशी रखो किस में ज़्यादा खुशी होती है असल खुशी आज हम लोगों को शादियों में शादी करने वाली लड़की है तो उसे खुशी लड़का है तो उसे खुशी उसके घर वालों को खुशी ये अलग बात है कि शादी के दस दिन के बाद वो खुशी गम में बदल जाती सास बहू के जब झगड़े होते तो फिर वो खुशी गम में बदल जाती ये अलग मसला है लेकिन होती तो होने से पहले खुशी पूरे रिश्तेदारों को खुशी क्यों दावत जाना है दावत में पूरे महल्ले वालों को पड़ोसियों को खुशी फ्रेंड्स को खुशी नाचने गाने का एक एन्जॉय करने का एक माहौल मिलता यह है असल में हमारे लिए खुशी हम शादियों को सबसे ज़्यादा मुसलमान अक्सरियत अगर कोई खुशी मनाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी खुशी शादियों में है गलत नहीं बोल रहा हूँ शायद मैं आप सब जानते हैं आप सब जानते हैं इस बात को अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है सबसे ज़्यादा खुशी हम ढूंढते हैं सिर्फ शादियों में यही हमारे लिए खुशी बन गई है अब वो खुशी के नाम पर हम क्या क्या करते हैं फिर पूरी की पूरी शरीयत के खिलाफ आमाल पूरी की पूरी अल्लाह की नाफरमानी नबी करीम वसल्लम के सुन्नतों का मजाक सुन्नतों का जनाजा निकालते हैं और शादियों में हम खुशी असल में क्या बोलते हैं नहीं, नहीं हमारे अरमान निकालना बोलते ना हमारे अरमान पूरे होना हमारे बच्चियों के अरमान हम देखना वो अरमान कहाँ रहते कि कैसे रहते कि नहीं मालूम पता नहीं अरमान निकाल लेते कहते बच्चों के शादियों में पता नहीं अल्लाह के लिए गौर करना ये शादियाँ जो आज डी जे के नाम पर खुशी शादियों में बयान बजा के खुशी पटाखे फोड़ के खुशी तलवार लहरा के खुशी डांस करके खुशी शादियों में फिर क्या है बंदूकें कई जगह चलाते हैं माल ज़ाया करते हैं सबकी नींद हराम करते हैं रातों को नाच नाच के पड़ोसियों के सबकी नींद हराम करते हैं छोटे छोटे बच्चे सोए होंगे सतारे होंगे किसी को कोई परवाह नहीं होती रास्ते बंद कर देते हैं तमाशा कर देते हैं हाँ और क्या है एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक लेना अंडे मार लेना रास्ते बंद कर देना आज क्या क्या है अब ये मैं पूरे गिनाऊँ तो शायद शाम हो जाती मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम सुनने वाले जितने उनको मालूम हर इलाके की अलग अलग खुशी कई जगह तो ऐसे हैं कि जहां पर औरतों को नचाया जाता बल्कि दाढ़ी टोपी सब कुछ रख, आ, होता है उनके जिंदगियों में लेकिन उसके बावजूद जब उनकी जिंदगियों में किसी की शादी होती है तो वो दाढ़ी टोपी वाले पहले सफ में बैठ के वो डांस देखते हैं औरत नाचती है बल्कि उसके ऊपर पैसे उड़ाते हैं फेंकते हैं ये भी हालत है कई इलाक़ों की शादियों के नाम पर यह खुशी शादियों के नाम पर ये जो खुशी होती है ये बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ी गलती है याद रखो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल की शादियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादियाँ साथियों की शादियाँ जितनी भी हुई उसमें से ये जितनी चीज़ें मैं आज गिना आया इसमें से कोई एक चीज़ एक चीज़ कोई नहीं नज़र आती पटाखे फोड़ना नाचना गाना ये कोई चीज़ दूसरों को तकलीफ़ देना ये कोई भी चीज़ अल्लाह के रसूल और साहबा की ज़िंदगियों में नज़र नहीं आती उनकी भी खुशी थी शादी बोले तो वो रोते हुए नहीं करे थे ना बिल्ला वो गम मनाते हुए तो नहीं करे ना नहीं उनके लिए भी शादी खुशी ही थी लेकिन खुशी में ये जो आज हम कर रहे हैं ये सब काफिरों की नकाली है याद रखो अब उसके बाद पाँच चीज़ें हो गई छिटवी चीज़ रस्म व रिवाजों में खुश शादी अलग चीज़ है शादी के अलावा रस्मों रिवाजों में असल खुशी होती है ये पूरे रिश्तेदार पूरे खानदान वालों की खुशी रस्मों और रिवाजों में है याद रखो ये रस्में जितनी भी होती है ये हल्दी के रस्म के नाम पे मेहंदी के रस्म के नाम पे बात पक्की करने की रस्म जुमागी की रस्म जूते चुराने की रस्म वो पूड़ियाँ खोलने की रस्म पानी में अंगूठी डाल के निकालने का रस्म चावल में क्या की ढूंढने का रस्म कितने रस्म आज हमारे पास ये सब रस्मों में खुशी वो इतने बेशराम इतने बेहया हो गए मुसलमान मेरे को तो इतनी तकलीफ होती कभी कभी वो यूट्यूब पे कोई डाल देता ना अपनी शादी की वीडियोस इन्हें नाम तो भी कहीं को रखा भाई इन्हें खाली इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुसलमानों का नाम रख लेके मुसलमानों के नाम लिख के ये इसका है, वेडिंग है ये आयशा का वेडिंग ये फातिमा का वेडिंग है ये है वो है बोल के नौज़ बिल्ला फिर लेके आके वो दाढ़ी वाले टोपी वाले वो काजी का वीडियो वो सब निकाल के फिर ये सब रस्मों रिवाजों को दिखाता उन्हें वीडियो में अरे ये नाम भी बदल करना जब तेरे को इस्लाम का तरीका ही पसंद नहीं है। शादी में तुझे नबी का तरीका पसंद नहीं है तो फिर ये नबी 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 का 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 रास्ता को, को, फिर को, बतलाया हुआ ये तरीका ये नाम भी कहीं को पसंद है फिर तुझे छोड़ देना सब कुछ जब शादी में ही तरीका छोड़ दिया काफिरों का तरीका ले लिया पूरी जिंदगी में ले ले क्यों बदनाम कर रहा है इस्लाम को ये कई के रस्मा है कई के रिवाज है आसानी से बोल देते और नहीं हमारे अरमाना पूरे होते हमारे ख्वाहिशां पूरे होते एक बेटा है पहली शादी है आखिरी शादी है पता नहीं जिंदगी में और कब होती कि क्या है कि अब हम पूरा नहीं करें तो कब करना काफिरों के तरीके पर खुशी होती है तू मुसलमान बेशरम काफिरों के तरीकों पर तुम लोगों को खुशियाँ होती है ये कैसा तरीका है याद बेहया इतने ज़्यादा हो गए पूरे के पूरे बेपरदा वो शादियों में यह रस्मों में ये रिवाजों में परसों रिसेंटली एक वीडियो ऐसे ही अचानक कुछ तो भी देखते देखते आ जाता तो क्या देख रहा हूँ कि ये शायद आप लोग और मैं भी मेरे बचपन में देखता था अलग से बोलने की जरूरत नहीं है बहुत दिन पहले आप तो अलहमदिल्ला कई साल गुजर गए कई साल गुजर गए ऐसे शादियों को ऐसे रस्मों को आंखों से देखना भी पसंद नहीं कर रहा हूँ माशा लेकिन जब देखते थे वो चीज़ अभी भी चल रही है याद आता है वो कितनी बेहयाई वाली रस्में हैं मेहंदी की रस्म के नाम पर हाँ वो जूती चुराने के रस्म के नाम पे वो फूल पीने के रस्म के नाम पे दूल्हे को बिठाई एक जगह उसके पास जाके पूरे उसके खलेरे फुपेरे मुमेरे नौजवान लड़कियां जा रहे उसके गले पे हार डाल रहे उसको कल्ले पे संदल लगा रहे हैं उसको क्या है वो ऐसा ऐसा करते हैं वो क्या किया ऐसा पूरा उसके जिसम को मलते हैं वो कितना बेशरम कितना बेहया हाँ और ऐसा करके ऐसा करना कह ऐसा नहीं आया उसको ऐसे चिटकिया मार के जाते बेशर्मा ट्रेनिंग लेके जाते है इसको जाके नहीं करना है अच्छा सज के सवर के मेकअप करके उसके पास जाके अब उन्हें यहाँ बैठता उसकी कुर्सी के पीछे एक औरत तो भी एक मरद तो भी ठहर के रहते दूल्हे की बहन रहती उन्हें वहाँ थोड़े बातें चलना ना उसके इसके फाइटिंग हाँ अब इधर ये आवारे पुट्टे रहते हैं इसके इधर भी थोड़े आवारे पुट्टे रहते उन्होंने आके पुड़ियाँ लेके आके सालियाँ उसको खोलो बोल के देते रहते उन्हें खोलते रहता खोलते रहता क्या है ये अब इसमें मजा ये कितना बेशरम कितना बेहया किधर चले जाती है मैं, मैं ये बात बार बार बोलता हूँ अब फिर ये जो बेशरम काम करने वाले ये बेहयाई वाले काम करने वाले जहाँ शादियों में बुरख़ा उतार के मेकअप करके और वो भी आज कैसा हो गया देखो ये वीडियो कैमरा का एक है फितना आ गया ना अब ये पूरे करते हुए ऐसा देखना ऐसा स्वीट खिलाते हुए ऐसा देखना आ रही कि नहीं मैं ऐसा उन्हें हाँ बोलता ही नहीं ऐसा लगा है इधर देखो जी फूल ऐसा ऐसा धन वो गले में गिर सो नहीं मालूम पैरा में गिर सो नहीं मालूम लेकिन देखना वीडियो में आना किधर से ये रस्म मनाते हुए खुश होना हाँ तो ये तकलीफ मुझे ये असर में मैं बोलना चाह रहा था कि जब तुझे ये वीडियो के सामने ये रस्म के सामने ये शादी में ये जितने आवारे पुट्टों के सामने तेरे को कभी बुरखा पहनना बल्कि ख्याल नहीं आया तो बाहर जाते हुए भी कई को पहनती फिर कई को ये बुरखा फिर निकाल के फेंक देना छोड़ दे हमेशा के लिए ये दिखावे का बुरखा किस लिए फिर छोड़ दे पूरे इस्लाम को छोड़ दे जब काफिरों का तरीका है तुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया तो बन जा काफिर फिर मुर्तद हो जा फिर इससे बेहतर है कि तू इस्लाम को बदनाम करे किधर चली जाती है शादियों में माँ बाप की हया किधर जाती भाइयों की शर्म किधर जाती अपने बहनों को बेपर्दा घुमाते हुए ये वीडियो के सामने लेके आते तो याद रखो ये सब शरीयत के खिलाफ आमाल है तो इसलिए ये तमाम चीजों को क्या है खत्म करने की जरूरत है ये खुशी खुशी नहीं होती अल्लाह के रसूल और साहबा की जिंदगी में ये रस्मा ये रिवाजा कोई नज़र नहीं आते हम लोगों को तो ये जो रस्मों के नाम पे रिवाजों के नाम पे हमारे पास हो रही है बहुत बड़ा गुना हो रहा है याद रखो अच्छा उसके बाद सातवीं चीज़ एक खुशी होती है माल मिले तो खुशी पैसा मिला तो खुशी होती है आमतौर पर जैसा कि किसी का बिजनेस सक्सेस हो गया प्रॉपर्टी मिल गई किसी को या फिर प्लाट ज़्यादा कीमत में उसका बिका जो कुछ भी हो या किसी को जॉब आ गया या किसी को जेवर मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए कोई गाड़ी ख़रीद लिए कोई घर बना लिए तमाम चीज़ें खुशी है खुशी होती है लेकिन क्या करना है ये खुशियों में भी तकबर करना नहीं लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुशी मिले तो सदका करो खुशी मिले तो खैरात करो हमारे पास सदका खैरात कब माल दिया भाई अल्लाह ला ताला दिया बरकत तो अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ सदका करो ना खैरात करो ना ये उसका शुक्र है लेकिन हमारे पास सदका कब करते मरते मरते बचे तो सदका करते है ना हमारे पास बहुत सारे लोग मन्नत मानने वाले अल्लाह जान के बदले जान देती बोल के वहीं मन्नत मान रही जान के बदले जान आप जान जाती होंगी मेरे बच्चे की अब मन्नत मान लेते अब खैरात करना है अब देती बकरा अच्छा रहे जब क्यों नहीं देते भाई अच्छा रहे जब भी तो ये सदका खैरा कर सकते ना गरीबों में ये करना है माल मिले तो असल में सदक खैरात करना है आठवीं चीज औलाद की पैदाइश पर खुशी बहुत बड़ी खुशी है ये माशाल्लाह माल मिले ना मिले गाड़ियां मिले ना मिले ये सब चीज़ें अलग है लेकिन औलाद की पैदाइश की जो खुशी होती है ना मैं समझता हूँ ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है अक्सर लोगों के लिए अक्सर लोगों के लिए औलाद का होना बहुत बड़ी खुशी है लेकिन इस खुशी पर भी पूरे सुन्नतों का जनाजा निकालने वाले मुसलमान छिले के नाम पर छट्टी के नाम पर ये सब अल्लाह की नाफरमानी करना करो बोले तो अक करने के लिए पैसे नहीं रहते लेकिन छिले छट्टियों के लिए पैसे हमारे पास बहुत रहते और उसमें आज एक फितना औलाद की पैदाइश बहुत बड़ी नेमत है लेकिन उस नेमत पर भी ऐसी नाफरमानी कि अब उसके हर साल हम लोग बर्थडे करेंगे हर साल असल में वो बर्थडे है ना उसको आज ये बर्थडे का ऐसा जुनून चला छोटे छोटे बच्चे वो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास उसको बात करने आता उन्हें भी क्या बोलता मेरा आज बर्थडे है चॉकलेटा लेके जाता हूं स्कूल में एल के जी यूकेजी के बच्चे क्या आज मेरा बर्थडे है नए कपड़े पहन के जाता आज मेरा बर्थडे है छोटे छोटे बच्चे आ रहे आज के रूपये हाथ में पकड़ के क्यों आज मेरा भाई का बर्थडे है मेरी सहेली की बर्थडे है उसको गिफ्ट देना है बर्थडे में गिफ्ट देना आज ये बर्थडे के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा एक केक एक जगह एक एक फितना ये फितना और बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बर्थडे में केक्स बर्थडे में बेलून्स बर्थडे में कैंडल्स बर्थडे में वीडियो बर्थडे में डीजे नाच गाना म्यूजिक खाने के लिए नहीं है कोई बात नहीं लेकिन बर्थडे करना कर्ज ला तो भी करना है के करते हैं आज बर्थडे लोगों का अल्लाह के लिए गौर करना ये बर्थडे के नाम से वो खाने का केक अलग कहते वो मुंह को लगाने का केक अलग कहते भी एक अजीब चीज है मुंह को लगा लेना सब हा? और उसको क्या है वो रातों में निकल के रातों को जाग के बारह जैसे ही बजे फौरन फिर बर्थडे पानी के पास समंदर के पास बीच में रोड पे वहां यहां जाके वो पूरा मुंह को लगा लेके कैंडिला फूकते हुए उसके मुंह को अंगार लग जाता पूरा उसके बालन जल जाते हाँ? ये सब चीजें हो रही उसके बावजूद भी सुबह देखे तो मालूम होता उसका मुँह इतना फूल के रहता दो तीन दिन तक कहीं को बर्थडे में ना आना होना खुशी नुकसान हुए तो हुआ कोई बात नहीं लेकिन खुशी मिलना हमारे खुशी कहा है बर्थडे में है अब उसके अलावा फिर उसका बर्थडे है तो सिर्फ उसके हद तक नहीं रहता उसके घर वालों को भी टेंशन उसके आ, क्या है फ्रेंड्स को टेंशन सबको रहता क्यों मेरा जितना ज्यादा करीबी रहता उसको मेरा बर्थडे याद रहना अगर उन्हें मेरा बर्थडे पर विशेष नहीं भेजा हैप्पी बर्थडे नहीं बोला तो फिर आज के आदिन है मालूम है इतना भी याद नहीं रहा तुम्हारे मेरा बर्थडे तक तो याद नहीं है मेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिला मेरे बर्थडे पे ये नहीं दिलाए वो नहीं दिलाए इस पर भी लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों का एक बहुत बड़ी वजह आज ये भी बन रही कि बर्थडे पे मुझे गिफ्ट नहीं मिला अब जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे उनकी उनकी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट बर्थडे पे कोई कार दे दे रहा बर्थडे पे कोई नेकलेस दे दे रहा बर्थडे पे कुछ क्या क्या कर दे रहे आज याद रखो ये बहुत बड़ी गलती है यह भी काफिरों की नक्काली है यह ईसाइयों की यहूदियों की नक्काली है यह तहजीब नहीं है यह तरीका नहीं है इस्लामी बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बर्थडे मनाया था कब अपने बच्चों का बर्थडे मनाया था किसी कौन से सहाबी ने बर्थडे मनाया था अच्छा हुआ अल्लाह ताला तुझे बर्थडे का डेट ले याद रखवाया अगर तुझे डेथ डे भी बता देता ना वो डे आने से पहले हैबत से मर जाता अरे बर्थडे भाई क्या है बर्थडे पैदा हुआ क्या कर रहा पैदा होके ऐसा कौन सा काम कर लिया अच्छा तो क्यों खुशी किस बात की पैदा होके अगर पांच साल गुजर गए तो मेरा पांचवा बर्थडे मेरा बीसवा बर्थडे नहीं रे तेरे बीस साल की उम्र खत्म हो गई असल में ये सोच अल्लाह ताला ने तेरी जिंदगी में जो उम्र लिखा था तो बीस साल का हो गया तो बीस साल तेरी जिंदगी के खत्म हो गए ये याद रखना तो खरीब जा रहा तेरे जिंदगी के बीस साल खत्म करके खरीब खबर के खरीब जा रहा तो 20 साल तेरे माँ बाप के दूर हो गया तेरे बच्चों के दूर हो गया तेरे दोस्तों के दूर हो गया क्या करा उल्टी सोच तेरे को जो वक्त मिला था वो वक्त खत्म हो रहा 20 साल खत्म हो गए मरे तक बर्थडे मनाता सत्तर साल का बूढ़ा हो गए तो भी आज मेरा बर्थडे है बोल क्यों उन्हें मना रहा हर एक का बर्थडे और ये बर्थडे का जुनून ऐसा हो गया जो जिसका फैन है उसका बर्थडे मना रहे सल्लू भाई का बर्थडे इन्हें मनाता शाहरुख भाई का बर्थडे उन्हें मनाता पॉलिटिकल लीडर है तो उसका बर्थडे इन्हें मनाता उसके बर्थडे को इन्होंने यहां पर हजार लाख का खर्च कर दे रहे ये क्या है भाई ये इस्लामी तरीका तो नहीं होता मुसलमानों का तरीका नहीं होता ये सब के सब गुनाह वाले आमाल है ये मजलिस ही गुनाह वाली है याद रखो इसलिए किसी का बर्थडे ना मनाया जाए अगर कोई बुलाए तो ना जा सकते कोई नहीं जा सकता ऐसे बर्थडे करीबी रिश्तेदार है हजार मरतबा हो जाए नाराज़ हो गए तो नाराज़ हो जा रहे तो ऐसी तो बर्थडे पार्टी पर ऐसी मजलिसों पर जिस मजलिस पे मेरे नबी की सुन्नतों का जनाजा उड़ाया जा रहा है ऐसी मजलिस पर जिस मजलिस में कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है शरीयत के खिलाफ आमाल कर रहे ऐसी मजलिस पे अगर कोई नाराज होता है तो एक नहीं सौ मरतबा नाराज़ हो जाए मुझे खुशी है इस बात पर नहीं जाके खुशी होना यही ईमान वाले की निशानी ऐसे लोगों को नाराज करके जो शरीयत के खिलाफ बर्थडे कर रहे हैं उन लोगों को नाराज करके खुशी होना ये ईमान की अलामत है याद रख नहीं जाऊंगा मुंह के सामने बोल दूंगा मेरे सामने कई बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना बच्चों को भी मैं तालीमियाँ देता हूँ नए बेटा अगर कोई बर्थडे बोल के चॉकलेट लाए तो लेना नहीं उसको हराम नहीं बोलता खाना लेकिन लेना ही नहीं वहां पर जाना ही नहीं ये हम ये हमारा काम ही नहीं है बर्थडे याद रखो शरीयत कहाँ है मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कहाँ का काफिरों की मुझबत? दिन ब दिन हमारे दिलों में हम लोग बिठाते चले जा रहे तो याद रखो ये पार्टियों में जाना या फिर उनको ग्रीटिंग्स देना या विश करना कुछ भी है ये सब चीज़ें जायज नहीं है याद रखो फिर इसी तरह नवी चीज जो खुशियाँ होती है हमारे पास उन खुशियों में से एक खुशी ईदों में खुशी कौन से ईदों में खुशी मुसलमानों के लिए जो अल्लाह ताला ने ईद दिए कितने दो फितर, ईद अबा ये दोनों ईदों में मुसलमानों को खुशी मनानी चाहिए ये खुशी के दिन हैं लेकिन आउज़ुबिल्लाह, कई मुसलमान ऐसे हैं ये दो के अलावा कई ईदें शुरू करके रखे मिलादुन्नबी ईद मिलादुन्नबी बना के रख दिए एक ईद ग्यारहवीं की ईद कुंडों की ईद हाँ मुर्दों की ईद जिंदों की नहीं अब उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा मुर्दों की भी शुरू करके रखते हर साल आज मुर्दों की ईद है वो भी ईद मनाते इस तरह की ईदें जायज नहीं है ये बिदात है याद रखो ऐसे ईदों से बचना है लेकिन जो ईद एद है ईद उल फितर और ईद उजह इसमें खुशी किस चीज की हो रमजान का पूरा महीना भाई घर में टीवी बंद करके रखे जैसे ही चांद नजर आया ईद का पर्दा उठाना है नकाब उठाना है टीवी के ऊपर का खुशी किस चीज़ में टीवी देखने में हैबत खा गए इतने दिन से सिगरेट आप पीने के लिए आप छुट्टी मिल गई अब उसमें खुशी मुसलमानों को एक महीना शराब नहीं पीता शराब ही जैसे ईद का दिन होता शराब पी के आता घर को उसको उसमें खुशी एक महीना फिल्मा नहीं देखा ईद के दिन जाके फिल्म देख के आता उसको उसमें खुशी अब हमारे औरतों की खुशियाँ हमारी खुशियाँ मेहंदी में अटक गई हमारी खुशियाँ कपड़ों में अटक गई हमारी खुशियाँ शॉपिंग में अटक गई हमारी खुशियाँ शिर खुरमे में अटक गई खुशी किस बात की क्या पकाए कैसा पकाए क्या खाए इसमें हमारी खुशी इसमें है ईद में खुशी किस बा, किस बात की खुशी है दोनों ईदों में भी इस्लाम जो तरीक़ा दिया हम लोगों को वो दूसरों को देने में खुशी हासिल करना है ईद क्या करना है सदखा खैरत करना देना है रमजान का पूरा महीना देना है देकर खुशी हासिल करो गरीबों की मदद करके खुशी हासिल करो ईद अधा क्या करते हैं देना है देना है देकर दे खुशी हासिल करो हमारे को कपड़े नहीं मिले तो नाराजगी जेवर नहीं मिले तो नाराजगी मिठा नहीं मिले तो नाराजगी क्या करना घूम घूम के आए कहीं भी दूध नहीं मिला गम परेशानी खुशियां इसमें अटक गई हमारी याद रखो इसी तरह अगर हम लोग बात करें एक ईद जो अभी आने वाली है न्यू ईयर की ईद ऐसे कितने ईद होते जो आज मुसलमान मना रहे ईद हर साल जो दिन घूम के आता और उस दिन अगर तुम खुशी मनाते हैं तो वो ईद बन जाती है न्यू ईयर की ईद कते पहले से तैयारियां हमारे मुसलमानों के जितने होटल्स हैं जितने बेकरीज हैं सब के सब सजा के रख लेते हैं बेलून्स के साथ पोस्टर्स बना लेके क्या है हैप्पी न्यू ईयर आज ईद का दिन है आओ अब ईद के दिन केक खाओ ईद के रात को क्या है बारह बजे तक जाग के क्या है मुरियां जुबा करो बकरे जुबा करो दावतें कर लो पार्टियां कर लो नौजवान रोडों पे घूमते हुए बाइकों पे घूमते हुए रेस लगाते हुए शराब पीते हुए डीजे लगा के डांस करके ये सब अल्लाह की नाफरमानी करता है सब हराम काम करता है मुसलमान मुसलमान न्यू ईयर के खुशियों में आज कॉलेजों में स्कूल्स में कहाँ कहाँ नहीं मनाता मोबाइल में ग्रीटिंग्स कितने लोग हैं न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर अपने स्टेटस पे लगा लेते हो हैप्पी न्यू ईयर ग्रुप्स पर भेजते हो अपने सहेलियों को अपने फ्रेंड्स को भेजते हो याद रखो ये हैप्पी न्यू ईयर ये न्यू ईयर की खुशी कौन से नबी ने मनाई न्यू ईयर की खुशी कौन से साहबी ने मनाई न्यू ईयर की खुशी क्या कुरान में है क्या हदीस में है अल्लाह के रसूल और साहबा की ज़िंदगी में न्यू ईयर नहीं आया नया साल नहीं आया और दूसरी बात यह है यह हमारा नया साल होता भी नहीं ना हमारा नया साल शुरू होता मुहर्रम का तो मुहर्रम की पहली तारीख को अभी खुशी मनाना साबित नहीं है हम हमारे इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नए साल में कोई खुशी नहीं मना सकते तो फिर मुसलमान काफिरों की नकाली करते हुए ईसाइयों की नकाली करते हुए उनकी तारीख के दिन आज नाच रहा गा रहा डांस कर रहा क्या क्या, क्या कर रहा आज जायज़ नहीं है हराम है यह सब चीजें याद रखो न्यू ईयर की खुशी मनाना या दूसरों को एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलना ये सब ये स्टेटस लगाना ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं ऐसे तमाम ईदों से अपने आप को बचाना अपने बच्चों को भी बचाना उनको बचपन से सिखाना समझाना ये हमारे लिए ज़रूरी है याद रखो फिर इसी तरह खुशी में ये न्यू ईयर की खुशी में असल में हम लोग थोड़ा सा सोच इसमें भी हमारी पूरी वही उल्टी सोच एक साल हम क्या समझते एक साल आया नया आया बोल के नहीं सोचना भाई एक साल हमारा गया असल में सोच हमारी ये हो अल्लाह मुझे साठ साल की जिंदगी दिया तो एक साल मेरा अब खत्म हो गया अभी दिसंबर का महीना चल रहा एक साल अभी थोड़े दिन में फिर 2023 आ रहा तो मतलब 22 मेरी जिंदगी का खत्म हुआ अब वो 22 फिर मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता वो 22 का एक घंटा भी वापस नहीं आ सकता एक मिनट भी वापस नहीं आ सकता फिर अगर करना ही कुछ है तो उसे हिसाब करना था असल में अल्लाह मई ये ट्वेंटी में मैं क्या करा मैं कितने अच्छे काम करा मैं कितने गुना के काम करा अगर गुना कर लिया तो मैं तोबा करके ट्वेंटी थ्री में अच्छे काम करूं ये सोच हो ना हमारी लेकिन नहीं नहीं खत्म हुआ तो खुशी मना रहा इन्हें उल्टी सोच किसी की कोई चीज खत्म हुई तो कोई खुशी मनाता मोबाइल में बैलेंस हो गया खुश होते बच्चा मर गया खुश होते गाड़ी में पेट्रोल हो गया खुश होते मोबाइल गुम हो गया खुश होते नहीं एक चीज़ ख़त्म हुई तो खुशी होती क्या किसी को नहीं होती ना अम्मी अबा मर गए ख़त्म हो गया ना भाई मर गए तो खुशी होती नहीं होती ना एक चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर उसको लेके असल में गम होता जो चले गया वो अब वापस वा नहीं आता लेकिन इन्हें खुशी मना रहा नहीं एक साल ख़त्म हो गया मेरा अब मैं और नए साल में जा रहा हूँ अरे नए साल में जा रहे तो अच्छे सोच से जाओ नाच के गा के ऐसे अल्लाह की नाफरमानी करके नहीं याद रखो इसलिए यह न्यू ईयर की खुशी ये ईद मनाना भी जायज़ नहीं है अच्छा उसके बाद क्या हुआ खुशियों में ईदे ईद की खुशी हो गई दसवीं जो खुशी होती है वो बीमारी से नजात मिले तो हम लोगों को खुशी होती है बीमार थे कई दिनों से बीमार थे कम से कम अगर बुखार भी आ गई चार दिन अगर बेड पे सो गए काम नहीं कर सके खाना नहीं गया जब अगर सेहतमंद हुए तो कितनी खुशी होती है अल्लाह इतने दिन जो तकलीफ हुई चार दिन से खाना नहीं खाए थे खुशी होती है तो क्या करना है बीमारी में भी अब बीमारी में हमारी हालत यह होती है कि जैसे ही बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल में भी अगर एडमिट हो जाते तो वहां पर दुआएं याद आती हमको अजकार याद आते अल्लाह याद आता सब याद आते लेकिन जैसे ही बाहर निकले अल्लाह याद नहीं अजकार याद नहीं कुछ भी नहीं सब फिर अल्लाह की नाफ़रमान्या करते ऐसा ना हो फिर इसी तरह ग्यारहवीं चीज खुशी जो होती है एक बहुत बड़ी खुशी होती हर इंसान को तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात पर खुशी होती है वो ख़ुशी है कोई तारीफ करे तो है ना कोई तारीफ़ करे तो बहुत खुशी होती कौन सी भी तारीफ़ मेरे घर की तारीफ़ करे खुशी होती मेरे कपड़ों की तारीफ़ करे खुशी होती खूबसूरती की तारीफ़ करे तो खुशी होती ये जितने भी गाने शायरियाँ ये वो जितने भी है ना ये सब वही छे झूठी तारीफ़ें तुम्हारे गाल ऐसे तुम्हारे बाल ऐसे तुम्हारे ये ऐसे वो ऐसे खुशी होती के लिए गौर करना ये जो तारीफ करने का मसला है ना मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाता हूँ सही मुस्लिम की दो हदीसें हैं कोई तारीफ करे तो क्या करना है हम लोगों को याद रखो तारीफ करना अच्छा भी है और बुरा भी है तारीफ सुनना अच्छा भी और बुरा भी किस माने में अच्छा किस माने में बुरा इस चीज़ को आप लोग थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करो वो ये है आमतौर पर मुंह पर तारीफ ना करे किसी की आमतौर पर ना करे किसी की मुंह पे तारीफ लेकिन अगर कोई अच्छा काम करा और उसकी तारीफ करने से वो और अच्छा काम कर सकता तो फिर उसके सामने उसकी तारीफ करो लेकिन तारीफ करने से कोई बिगड़ जाता तो फिर उसके सामने तारीफ ना करो मिसाल के तौर पर बच्चा है छोटा हमारा अगर अच्छा होमवर्क करा अच्छा कोई काम करा घर में कुछ क्या है दस्तरखान वगैरह लेके आके बिछा दिया या प्लेट्स वगैरह कुछ तो भी साफ़ करी बच्ची कुछ तो भी करे अच्छा काम करे या कोई सूरा अच्छा पढ़ दिया कुछ तो भी काम करा अगर हम तारीफ़ करें माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छे माशाल्लाह तुम तो बहुत अच्छा याद करे बहुत अच्छे काम करे आप माशाल्लाह इस तरह अगर हम तारीफ़ करें इस पर अगर बच्चा हाँ हम तारीफ़ करें तो और अच्छा पढ़ते अगर ये उसको एहसास है तो इस पर फ़ायदा हो रहा तो बच्चे की तारीफ करो लेकिन नहीं बेटा बहुत अच्छा काम करे बोलने के बाद हाँ अब अच्छा काम करे बोल के तारीफ करे ना अब मेरे को पैराम दबाओ बोल के सो गया तो काम करा ना तारीफ करे अब मैं नहीं करता हूँ काम तो फिर उसकी तारीफ नहीं करना उसकी तारीफ नहीं तो काम यानी तारीफ उसकी करो जो और अच्छा काम करे अब अगर कोई अच्छी तकरीर करे अगर कोई अच्छे दावत दिन का काम करे या फिर कोई खैरात कर रहे सबखा कर रहे कुछ भी कर अच्छा काम करे अगर उनकी हम तारीफ करें तो उन्होंने माशाल्लाह और ज़्यादा जज्बे से कर सकते हैं तो करो तारीफ लेकिन नहीं अगर हमारी तारीफ करने से उन्हें तकबर में आ जाता घमंड में आ जाता तारीफ करे तो ओ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं देखिए देखे इत्यादमिया मेरे को तारीफ कर रहे इत्यादमिया सलाम कर रहे इत्यादमिया झुक रहे मेरे लिए एदमिया याद कर रहे इतनी इज्जत है मेरी उन्हें घमंड में आ जा रहा उन्हें तकबर में आ जाता उसके लिए फितना फसाद हो जाता तो फिर ऐसे लोगों की तारीफ ना करे ना करे हदीस सही मुस्लिम के अला के अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया देखिए साहबा ने जब सवाल किया कि लोग हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है हम क्या करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो बुशरा है यानी दुनिया में ही तुम्हारे लिए बशारत है ये खुशी है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई तारीफ़ कर रहा तो सुन लो सही मुस्लिम की रिवायत दूसरी सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे कोई तारीफ़ करे तो उसके मुंह में मट्टी डालो ऐसे अल्फाज मतलब मुँह के सामने बहुत ज़्यादा तारीफ करने से बचे करना है किसी की दूसरों के सामने करे उसके सामने ना करे करे भी तो थोड़ी करे ज़्यादा ना करे जिसकी वजह से उसके अंदर कोई बिगाड़ पैदा हो जाए ऐसी तारीफ नहीं करना ये ग्यारहवीं चीज़ है ठीक है और तारीफ सुनने वाले को भी अब तुम्हारे जेवर अच्छे तुम्हारे खूबसूरती अच्छी तुम्हारा मेकअप अच्छा तुम्हारा ये अच्छा वो अच्छा बोलते जैसा जैसा तारीफ करते वैसा वैसा ज़मीन से एक एक फीट हम लोग ऊँचे उड़ते जाते हैं हमारी नज़रें आसमान पे चढ़ती जाती जैसे जैसे तारीफा सुनते ये बिल्कुल गलत है हमें कोई तारीफ करे या ना करे अगर हम अच्छा काम कर रहे तो उसे हमेशा करते रहना अगर कोई हमारी तनखीद भी करे तो भी हम जो अच्छा काम कर रहे वो करते रहना नहीं कोई भी तारीफ़ नहीं कर रहे बहुत सारे लोग होते ना ख़ास तौर से बच्चियाँ बच्चे भी पढ़ने वाले और ख़ास तौर से यहाँ पर आप लोग तकरीर करने वाले आप अगर ये इंतज़ार में हैं कि नहीं मैं तकरीर करूं लोग मेरी वाह वाह करें मेरी तारीफ़ करें तो फिर मैं करूंगा या करूंगी लेकिन अगर कोई मेरी तारीफ़ ही नहीं कर रहे करके क्या फ़ायदा यह गलत है तुम किसके लिए कर रहे हैं तुम कौन सा भी काम कर रहे अल्लाह के लिए कर रहे तो कोई तारीफ़ करे कोई तनखीद करे ये मेरे लिए माना नहीं रखता मुझे करना है अच्छा काम ये जहन में रखो ठीक है ना अच्छा उसके बाद बारहवीं चीज़ दावतें खाने में और खिलाने में बहुत खुशी होती है दावतें जाना दावत में खाने की खुशी अलग रहती आज खाने के अलावा खिलाने की खुशी है लोगों को हर छोटी सी छोटी बात पर खुशी दावतों में आओ उमरा को गए तो आओ दावत दो हज को गए तो आओ दावत दो और क्या है बच्चा पास हुआ तो दावत दो और ऐसी कितनी दावतें हैं बेफजूल दावतें रस्म की दावत छिल्ले की दावत छट्टी की दावत ये दावत वो दावत कितनी दावतें जो कर लेते हैं ऐसी दावत अगर वही दावत में जो खर्च हो रहा वही खाना जो तुम अपने रिश्तेदारों को खिला रहे दसवें के नाम पर चालीसवें के नाम पर अगर वही पैसा या वही खाना अगर किसी गरीब को दे रहे वहाँ बोले तो उन्हें देता नहीं देता नहीं देता शादी इतने चार पांच सौ लोगों की तुम फंक्शन हाल में करके दावत दे रहे ना वही पैसा जो एक लाख दो लाख चार लाख जो भी लग रहे ना वही चार पांच लाख दे दो गरीबों में हम लोग वही खाना बांटेंगे ठीक है पैसे नहीं तो खाना बांटेंगे राशन बांटेंगे वही दो चार लाख लेके आके दो या ना मत दो भाई तुम्हें लेके जाके गरीब बस्तियों में बांट के आ जाओ देता कोई नहीं वही खर्च करके तो भी बच्ची की शादी में उड़ाना है तो उड़ाता दावत दे के लेकिन दूसरों को देना है तो नहीं देता बात पक्की करने की रस्म पे अलग जहेज़ के ये नाम पे अलग उन्हों आ बोल के अलग हर चीज़ में दावत क्या ज़रूरत है भाई याद रखो तो इस तरह भी ना करें और इसी तरह तेरहवीं चीज़ जिससे मोहब्बत होती है अगर वो मिल गया तो उस पर भी खुशी होती है चाहे वो इंसान हो सकता या चीज़ हो सकती मोबाइल है मोहब्बत है, है कई दिनों से सोच रहे मिल गई कुछ दिनों के बाद वालिद साहब दिला दिए खुशी होती है कपड़ा है मोहब्बत है कपड़ों से वो कब कब पहनना मिल गया जेवर है मिल गया गाड़ी है मिल गया यानी जिससे हम मोहब्बत करते हैं या किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं बाप से मोहब्बत है शोहर से मोहब्बत है बीवी से मोहब्बत है उन्होंने बाहर है कई दिनों के बाद आए उनका इंतजार कर रहे हैं मोहब्बत होती है जिसे मोहब्बत करते अगर उनसे मुलाकात हो गई कोई आलिम है कोई अच्छी तकरीर करने वाले है कोई बड़े आदमी है उनसे मोहब्बत थी लेकिन जिस दिन उनसे मुलाकात हुई खुशी होती है ठीक है ना तो बहरहाल ये खुशी है फिर इसी तरह चौदहवीं चीज़ क्या है बहुत सारे लोग ऐसे है जिनको गुनाह करते हुए भी खुशी होती बदतरीन आमाल करते हुए खुशी होती जैसे अब मैंने बताया कई ऐसे गुनाह हैं जिसमें किसी को शराब पीते हुए खुशी होती है किसी को जिना करके खुशी होती है किसी को लोगों का पैसा हराम तरीके से खा के खुशी होती है सूद खा के खुशी होती है चोरी करके खुशी होती है अफेयर्स करके खुशी होती है बेपर्दगी के साथ घूम के खुशी होती है कितने है? ऐसे रस्मों रिवाजा करके खुशी सब के सब अल्लाह के नाफरमानी वाले काम करते हुए उसमें खुशी महसूस करना बहुत बड़ा गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन इसमें अक्सर लोगों को खुशी होती है ऐसे खुशियों से बचना चाहिए जो गुनाह वाले काम हैं जो अल्लाह की नाफरमानी वाले काम है, है। पंद्रहवीं चीज़ कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को तकलीफ़ देकर भी खुशी महसूस करते हैं दूसरों को तकलीफ दे के खुशी महसूस करना उसमें पहली चीज जहेज लेके के खुशी महसूस करना किसको तकलीफ दिए लड़की के घर वालों को उनकी हैसियत नहीं थी लेकिन मांग मांग के डिमांड कर कर के उनको तकलीफ उनको सूद पे लाना पड़ा उनको प्रॉपर्टी बेचना पड़ा उनको रोना पड़ा कुछ भी करना पड़ा लेकिन मेरे को होना तभी तो मेरे को खुशी मेरे को पल्सर होना उसका बाप रो रहा उसका भाई सूद का कर्ज ला रहा मेरे को जरूरत नहीं है लेकिन मेरे को खुशी होना इतने हजार लोगों की दावत देना इसके लिए लड़की का बाप मर जा रहा कुछ भी कर ले खुदकुशी करके मर जा रहा कोई मसला नहीं लेकिन मेरे घर वाले आते इतने खुश करना इन सबको खिला के जहेज देना लोगों को तकलीफ देकर अपने आप को खुशी महसूस करना बदतरीन गुना है ये इंसानियत नहीं होती याद रखो ये जानवरों के अंदर भी ये सिफत नहीं रहती अक्सर जानवरों के अंदर एक जानवर भी दूसरा जानवर तकलीफ में है तो वो तकलीफ महसूस करता लेकिन आज जानवरों से भी बदतर हो गई है जहेज़ लेने वाले ये हराम खोर जो हराम तरीके से लेते लड़की वालों के पास वो जहेज के सामान के नाम पे ले रहे या प्लाट के नाम पे ले रहे या पैसे के नाम पे ले रहे उन्हें रो रहा उन्हें तड़प रहा बच्चियां मर रही खुदकुशी कर रही जिना कर रही भाग जा रही मुर्तद हो जा रही कुछ भी हो जाए उनकी तकलीफ मुझे ज़रूरत नहीं मेरे को इतना खाना होना इतना जहेज होना इतना पैसा होना इतना प्लाट होना इतनी गाड़ी होना ये जानवरों से भी गया गुजरा इंसान है बदतरीन अमाल में से है किसी को तकलीफ दे के मैं खुशी महसूस करूँ ऐसे कई मौके होते हैं जिसमें कोई मार के दूसरों को अपने आप को खुशी महसूस करता इसी तरह किसी का जमीन कब्जा कर लेता उन्हें कमजोर है कब्जा कर लेता खुशी महसूस कर लेता फिर इसी तरह क्या है कई लोग तो ऐसे हैं किसी के इंतकाल पर भी खुशी महसूस करते हैं मर गया अच्छा हुआ इसी तरह घर में आपस में बहू को तकलीफ दे के सास को खुशी सास को तकलीफ दे के बहू को खुशी इंसान है भाई पड़ोसियों को तकलीफ दे के जितने भी आपस में ये दुश्मनी वाले हमारे रिश्ते हैं एक दूसरे को तकलीफ दे लेके खुशी महसूस करते ये बहुत बड़ा गुनाह है इसी तरह ये जितने भी खेल के मैदान है उसमें भी हम लोग देखते हैं नुकसान अपनी खुशी में दूसरों का नुकसान फुटबॉल मैचों में कई मरतबा न्यूज आते हजारों सवों के लोग मर जाते हैं कोई जीता तो उन्होंने खुशी मना रहे इन गम मना रहे इनो क्यों गम मना रहे आपस में इनके उनके आपस में कुछ तो भी बातें हो गई लड़ाई झगड़ा हो गया उसमें क्या है एक दूसरे के ऊपर मारम पीटी कर लेके मर जाते शादियों में मार लेके मर जाते इस तरह दूसरों को तकलीफ दे के ख़ुशी मनाना ये गुनाह है ये पंद्रह चीज़ें जो मेरे जहन में थी मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करा खुशी मनाते हैं अक्सर लोग इन पंद्रह चीज़ों में और भी हो सकती है लेकिन इसमें क्या जायज़ क्या ना जायज है याद रखो ख़ुशी में क्या मना है क्या जायज़ नहीं है याद रखो दूसरों को तकलीफ देना अपनी खुशी में दूसरों को तकलीफ देना जायज़ नहीं है दूसरों का नुकसान करना जायज़ नहीं है अपनी खुशी में तकबर करना रियाकारी करना दिखावा करना जायज़ नहीं है डीजे लगाना म्यूज़िक लगाना शराब पीना बेपर्दा घूमना बिदतें करना ये सब जायज़ नहीं है यूं समझो कि शरीय के खिलाफ जो भी अमल होता है वह सब जायज़ नहीं है खुशी के मौके पर अब खुशी में जायज़ क्या है क्या कर सकते हैं खुशी में सदक़ा करें खुशी में खैरात करें खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें नफिल नमाज पढ़ें जैसा कि अगर हम लोग देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जो लंबी नमाज पढ़ रहे थे आयशा रजी अल्लाह तआला त सवाल पर क्या बोले अरे आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा ना करूँ क्योंकि उसने मेरे अगले पिछले तमाम गुना माफ़ कर दिया तो इस खुशी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे ये करो भाई अल्लाह बेटा दिया तो नफिल नमाजें पढ़ो कुरान पढ़ो और अच्छे काम करो खुशी ये है असल में खुशी फिर इसी तरह अल्लाह के अलैहि वसल्लम की जब बेटे की पैदाइश हुई इब्राहिम की पैदाइश जो खुशखबरी लेके आया अल्लाह के अलैहि वसल्लम उसको क्या है गुलाम आज़ाद कर दिए उस वक्त यह है सदखा करने का तरीका फिर इसी तरह उम्मीब रजी अल्लाह को जब रिश्ता भेजिए रसूल सल्ला वसलम तो उम हबीब रजी अल्लाह तंगन निकाल के दे दी जो रिश्ता लेके आए थे तो खुशी में ये करो भाई आपकी बच्ची का रिश्ता हो गया कई दिनों से इंतजार कर रहे अच्छा घराना मिल गया अभी शादी है तो क्या करो उस वक्त गरीबों की मदद करो इतने दिनों के बाद एक अच्छा रिश्ता मिला बेटी की शादी हो रही सदका करो खैरात करो मस्जिदों को दे दो अल्लाह के दीन के लिए खैरात करो दावती दीन के काम में लगाओ यह करो ना खुशी है अब उसमें क्या करते है? हमारे का जहन ऐसा बन गया उन्हें अब फंक्शनल बुक करके इतने दावतें इतने मीठे इतने खाने सब कुछ बना के लाखों रुपए खर्च करता अब वो बच्ची के जेवरात ये वो कपड़े इपड़े, कितना खर्चा भाई शादी बोले तो पांच से दस लाख का खर्चा है उसमें एक पचास हजार लेके आके देना रहे भाई कोई तो भी दावती दिन के काम के लिए पचास हजार दस हजार लेके जाके देना कहीं तो भी मस्जिद बनाई जा रही तो एक दस हजार दे दस, दस लाख खर्चा कर रहा तो एक लाख रुपए सदका खैरात भी तो करना बहुत अफसोस होता है लोगों का खर्च करने का जो जज्बा है आज बिल्कुल ख़त्म होते है लाखों की प्रॉपर्टी किसी चीज़ की कमी नहीं है शॉपिंग के लिए कितनी आसानी से तुम्हारा खर्च हो जाता शादी में अल्लाह के दिन के लिए क्यों खर्च नहीं कर सकते हैं तो करना असल ये है खुशी में सब खा करना अगर मैं आपको काब बिन मालिक रजी अल्लाह तुम का वाक्य सुना वाक़ा कई मरतबा सुने लंबा वाक़ है अल्लाह तब उनकी एक गलती पर अल्लाह अल्ला उनको पकड़ा चालीस दिन तक कोई सहाबी उनसे बात नहीं करे पचास दिन तक उनकी बीवियां भी उनसे दूर हो गई जब अल्लाह उनकी तोबा को कबूल करा पचास दिनों के बाद काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला खुशी से आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते अल्लाह के रसूल इस खुशी पर कि अल्लाह तला मेरी तोबा को कबूल करा मैं मेरा पूरा माल पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह के राम सदखा देना चाहता हूँ पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह के में खैरात करना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल क्योंकि अल्लाह मेरी तोबा कबूल कर अल्लाह अकबर गुना छोड़ के खुशी हुई कभी इतने दिन शिर करते थे इतने दिन बिदतें करते थे इतने दिन बेपर्दा घूमे थे आज अल्लाह हिदायत दिया आज अल्लाह तला मेरे गुनाहों को माफ कर सकता मैं सच्ची तोबा करूंगा इस खुशी पर मैं इतना खर्च करूं है जज्बाए अच्छे काम का जज्बा नहीं खुशी बोले तो होगा नाचने में खुशी गाने में खुशी कपड़ों में खुशी खाने में खुशी यह खुशी है एक सच्चे मुसलमान की खुशी तो नहीं हो सकती याद रखो मैं जैसा कि बोला सच्चे मुसलमान की खुशी अल्लाह के सच्चे बंदों की खुशी अल्लाह से डरने वाले नेक मुतकी ईमान वालों की खुशी बुरी मजलिसों को छोड़ के बुराइयों को दूर करके ऐसे खाने ऐसे दावतें सामने मौजूद हो पूरे रिश्तेदार भी जा रहे हो ऐसे तमाम चीजें आंखों के सामने देखते हुए भी उन मजलिसों को उन दावतों को उन खानों को छोड़कर खुशी महसूस करना मैं अकेला घर में बैठा रहूं पूरे घर वाले जा रहे हैं जिसको खुशी समझ के नाचने गाने शादी रसम रिवाज में उन सबको वहां पर जाके खुशी मिली उन सबको छोड़कर वहां पर ना जाके मुझे खुशी मिली यह है एक सच्चे मुसलमान की पहचान क्यों उसको खुशी होती है अल्लाह मैं तेरी ना वाली जगह से बचा अल्लाह बिदतों से तो मैं बचा अल्लाह गलत मजलिस से तो मैं बचा बचा अल्लाह मुझे ये खुशी है आज ये खुशी कितने लोगों को महसूस होती आज हमारे को ये होती नहीं हमारे को खुशी उसी में रहती वो दावत में खुशी वो खाने में खुशी वो शादी में खुशी वो फंक्शन हाल में खुशी नहीं गया कोई नहीं बुलाया तो टेंशन रहता हमारे को अरे बुलाए तो चले जाते थे अच्छा रहता था तो याद रखो खुशी में जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है ग़म में जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है ये आप लोगों के सामने मैंने रखा उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ अल्लाह हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाएँ आमीन याबी जजाकल्ला खैर असल व बरकातहू